हे गाइस, आज की रीडिंग बहुत मजेदार होने वाला है। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि KGF चैप्टर 2 ट्यूटोरियल लेके आया हो। और गाइस, और एक वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुका हूँ KGF चैप्टर 2 के बारे में, तो गाइस वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप देख लेना। तो गाइस ये वीडियो शुरू करता हूँ। और गाइस ये बैकग्राउंड और PNG जितने भी मैं यूज़ करने वाला हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आप ड्रॉ टूल से भी एडिट कर सकते हो, बट ड्रॉ टूल से बहुत चीज़ों को दिक्कत होता है। तो गाइस ऐड करने वाला हो, एक एक फोटो ऐड करने वाला हो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ऐड करूँगा तो एक एक करके। ड्रॉ टूल से ज़्यादा आसान होता है बट थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो ऐड करने वाला हो, पहले आपको ऐड फोटो पर जाना है, जाने के बाद आपको करना है फोटो ऐड। तो गाइस मैं पहले ही बैकग्राउंड को रिमूव कर चुका हूँ, तो गाइस आप देख सकते हो थोड़ा बहुत बाकी है, इसको मैं रिमूव कर लूँगा अभी। और गाइस आपने फ़ोटो रिमूव नहीं किया फिर भी फोटो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, इधर से आप रिमूव कर सकते हो बैकग्राउंड। तो गाइस मेरा थोड़ा बहुत बाकी है, इसको कर लेता हूँ। तो गाइस बेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा दिक्कत वाले पार्ट पर आपको क्या करना है, जूम कर लेना है, जूम करने के बाद आपको इरेज कर देना है। तो मैं इरेज पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं पहले जूम कर लिया, तो अभी और जूम होगा। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। Fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. देख सकते हो इरेज हो चुका है, आप फुल बैकग्राउंड भी ऐसे इरेज कर सकते हो। तो गाइस इसको अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ, तो गाइस आपको भी ऐसे सेट कर लेना। तो गाइस सेट हो चुका है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना, बस इसको कर देना है डन। तो गाइस डन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हर PNG को ऐड कर लेना है। तो गाइस पहले मैं ऐड फोटो पर जाता हूँ। ऐड फोटो पर जाने के बाद तो गाइस आपको ए PNG लेना है, लेने के बाद आपको करना है बैलेंस। तो बैलेंस पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीप्लाई जो दिख रहा है, मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसको आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है और थोड़ा इस साइड से आपको छोटा कर लेना है, देख सकते हो गाइस। अभी इसको ऐसे सेट कर देना है। तो गाइस इसको भी कर लेता हूँ डन। तो गाइस देख सकते हो बहुत अभी रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। तो अभी और PNG ऐड करने वाला हूँ। अभी आपको ए PNG लेना है, लेने के बाद आपको इसको भी कर देना है बैलेंस। बैलेंस पर जाने के बाद आपको करना है स्किन, स्किन कर देना है। तो करने के बाद आपको इस साइड रखना है, इस साइड रख देना है। तो अभी इसको भी कर दूंगा डन। तो डन हो गया। तो फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है। तो ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको एक गन PNG लेना है। तो आपको आपको गन दिख रहा है, तो अभी इसको मैं पहले ही रिमूव करके रखा हूँ, आपको आसानी होगा इसलिए। तो गाइस इसको भी आपको अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो गाइस ये भी सेट हो चुका है, तो अभी इसको भी कर देता हूँ डन। तो गाइस डन हो गया। तो गाइस फिर से ऐड फोटो। तो गाइस फिर से आपको ए PNG लेना है, एक बार ले चुका था फिर से ले लिया। तो अभी फिर से आपको इसको बैलेंस पर जाना है। बैलेंस पर जाने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो गाइस फिर से आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है और इस साइड से आपको छोटा कर लेना है। तो इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद फिर से आपको इस साइड ऐसे बिठा देना है। तो गाइस फिर से कर देता हूँ डन। तो गाइस डन हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो पर जाना है। तो गाइस फिर से आपको ए PNG लेना है। लेने के बाद आपको जो फ्लैग दिख रहा है, इस पर मैंने आग नहीं लगाया तो इस पर लगा दूंगा, इसको अच्छी तरह से मैच कर दूंगा। तो गाइस इसको आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको इसको बिठा देना है बस। तो गाइस आपको इसको इरेज कर देना है। तो गाइस देख सकते हो इरेज करने के बाद रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। अभी कर देता हूँ डन। तो डन। तो गाइस हो गया। अभी फिर से आपको ऐड फोटो पर जाना है। तो गाइस ये हो गया। तो गाइस KGF को भी आपको ऐसे तरह से ऐड कर लेना है। तो गाइस हो गया, अभी कर देता हूँ डन।
तो गाइज देख सकते हो फोटो बन चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो गाइज बहुत ही आसानी तरीके से फोटो बन गया। और गाइज आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और गाइज अगर आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर देना। तो गाइज मिलते हैं और एक वीडियो में, चलते हैं।